हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनंत पेसवानी और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल AVS Tech अनंत पेसवानी में। जैसा कि आपने देखा होगा कि मैं आपके लिए मनी मेकिंग टिप्स और ट्रिक्स लेके आता हूँ। आज का वीडियो फिर से एक बार धमाकेदार वीडियो होने वाला है और मुझे पता है कि आप लोगों को इसमें रियली मजा आएगा। मजा आने के साथ साथ आप एक अच्छी अर्निंग भी करोगे। आपको यहाँ पे इस चीज से भी मतलब नहीं है कि आप यहाँ पे डिजिस्टोर 24 यूज कर रहे हो, क्लिक बैंक यूज कर रहे हो या वी कमीशन कर रहे हो या इसी टाइप की कोई भी एफिलिएट वेबसाइट आप यूज कर सकते हो, किसी भी टाइप का एफिलिएट प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे कुछ मैं आपके लिए एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा, लेकिन एग्जाम्पल देखने से पहले ये मैंने एक्चुअली में शुरू कैसे किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सिंपल सा गूगल में सर्च किया है सबमिट ईबुक। ऑब्वियसली बात है कि मैं चाहता हूं कि मैं कहीं भी एक ईबुक सबमिट करूं और उससे मुझे अर्निंग हो। लेकिन बात यहां आती है कि हम सबमिट कैसे करेंगे, हम ईबुक कैसे बनाएंगे। इसके लिए भी मैंने ट्यूटोरियल बना के रखी है, वो भी आप इसके बाद देख सकते हो। अभी आप यहां पे देख रहे हैं गूगल पे मैंने सिंपल सा सर्च किया है सबमिट ईबुक। सबमिट ईबुक करने के बाद यहाँ पे जो सबसे पहली वेबसाइट है वो आपके लिए यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे ये जो वेबसाइट, इसका नाम है free-ebook.net, ये वेबसाइट है। अब मैं चाहता था कि ये जो वेबसाइट है ये वेल रैंक्ड साइट है, मतलब इस पे जो है जो भी कंटेंट है वो वेल रैंकिंग में आ रहा है। अब यहाँ पे मुझे एक और चीज यहाँ पे पता करना था, ये जो वेबसाइट है इसके और कौन से कीवर्ड रैंकिंग में है। तो मैं यहाँ पे गया आरएफ टूल में। आपके पास जो भी टूल है आप उसको यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मैंने वेबसाइट का नाम डाल के रखा है। साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो सर्च किया है वो किया है टॉप पेजेस की, इसके टॉप पेजेस कौन से हैं, और आप चाहे तो ऑर्गेनिक कीवर्ड्स भी कर सकते हैं, ये भी हम आगे करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने टॉप पेजेस किए, टॉप पेजेस में मुझे यहाँ पे दिखाई दिया एक जो मेन चीज दिखाई दे रही है रोमांटिक नॉवेल्स पीडीएफ। ये जो है ये कहा जाए तो ट्रैफिक भी इस पे अच्छा खासा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 4000 का ट्रैफिक है, साथ में इस पे तकरीबन नंबर 1 और नंबर 2 पे आ रहा है और ये चीज इंडिया में भी है। अब यहाँ पे मैंने जब सर्च किया तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये जो है मैंने यहाँ पे रोमांटिक नॉवेल पीडीएफ सर्च किया और यहाँ पे जो मुझे दिखाई दिया फर्स्ट नंबर पे ये दिखाई दिया, जबकि स्टूल का कहने का मतलब था कि ये 2 नंबर पे आ चुका है, 1 नंबर यहाँ पे कम हो गया है। मैंने कहा चलो ठीक है, अब मुझे ये चीज समझ में आ गया कि अब मुझे एक रोमांटिक नॉवेल ढूंढना था और इसके बाद यहाँ पे हमारी कहानी शुरू होती है। यहाँ पर रोमांटिक नॉवेल के साथ में आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं, एक तो ये चीज था कि आप अपना रोमांटिक नॉवेल लिखवाओ किसी से या खुद लिखो, उसको आप सेल करो, उससे अर्निंग करो। लेकिन ये कहा जाए तो एक इतना लंबा प्रोसेस है, जैसे कि आपने राइटर्स को देखा होगा कि तकरीबन 6 महीने में एक नॉवेल आता है, तो ये चीज भूल जाओ। अब यहाँ पे बात करते हैं हम दूसरे तरीके की। दूसरा जो हमारा तरीका है वो है कि मैं यहाँ पे गया क्लिक बैंक में। अब मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट फाइंड करना था जो कि रोमांटिक टाइप का हो या फिर कहा जाए तो उससे रिलेटेड हो। यहाँ पे मैंने कुछ चीजें सर्च की, फिर मैं यहाँ पे सेल्फ हेल्प में गया। सेल्फ हेल्प में मुझे पता था रोमांस की जो कहानी शुरू होती है वो तो या शादी से शुरू होती है या फिर शुरू होती है रिलेशनशिप से, तो मैं इस कैटेगरी के अंदर गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कैटेगरी मैंने यहाँ पे ओपन की है ये सेम है। अब यहाँ पे मुझे एक प्रोडक्ट फाइंड करना था तो मैंने ये प्रोडक्ट सारे चेक करने शुरू किए। सभी के अंदर आपको एक चीज मिलेगा कि आप यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट के अंदर जाएंगे तो आप इसमें देखेंगे एक एफिलिएट पेज भी आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी में आपके लिए एक एफिलिएट पेज भी दिया रहेगा कि आपको उससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है उसमें 2 तरीके होते हैं, या तो आप प्रोडक्ट चेक करो प्रोडक्ट किस टाइप का है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हम आ चुके हैं लैंडिंग पेज पे और मोस्टली जो लैंडिंग पेज होते हैं उनमें एक वीडियो रहा करता है, इससे ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन होती नहीं है। या फिर आप यहाँ पे इनका टेक्स्ट प्रेजेंटेशन देखेंगे तो भी इसमें कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकती है। लेकिन इससे बेस्ट एक और ऑप्शन क्या होता है कि जो एफिलिएट पेज होता है उस पे आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने एफिलिएट पेज ओपन किया, यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें आपको A to Z सारी चीजें दी गई हैं और यहाँ पे सारी चीजें सर्च करने के बाद एक जो सबसे अच्छी चीज मुझे मिली वो अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। ऑब्वियसली बात है ये चीजें ये लोग थोड़ी सी हाइड करके रखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी ये जो मीनू आपके लिए दिखाई दे रहा है यहाँ
यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो आपके लिए दिखाई दे रहे हैं वो आपके लिए दिखाई दे रहे हैं बैनर्स, दिखाई दे रहे हैं इमेजेस वगैरह दिखाई दे रहे हैं। साथ में यहाँ पे कस्टम रिपोर्ट में कस्टम पीडीएफ रिपोर्ट पे जब हम क्लिक करते हैं इस टाइप का एक फॉर्म आता है, देन आप यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्किप किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो टूल है ये पूरा कंप्लीटली यहाँ पे चेंज हो गया है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, आप ये कमेंट मत करना कि ये ऑप्शन आपके लिए मिल नहीं रहा है। अगर ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है इसका मतलब ये है कि आपने वीडियो को स्किप किया है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टम रिपोर्ट पीडीएफ का एक ऑप्शन आ रहा है। अब इसके बाद जब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन नोबेल इन्होंने खुद यहाँ पे दिए हुए हैं। इन तीन नोबेल का आप यूज कर सकते हैं, आप कहीं भी अपलोड करो। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपके लिए कस्टम दे रहे हैं। कस्टम कहने का मतलब है कि आपको इसको एडिट करने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरी नहीं है कि आप इसको पहले एडिट करो, पीडीएफ से आप इसको डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करो, देन आप अपनी लिंक डालो और लिंक डालने के बाद आप उसको फिर से पीडीएफ में कन्वर्ट करो। तो ये पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सीधा सा एक फंडा है कि आपको जो भी यहाँ पे पीडीएफ चाहिए है वो पीडीएफ आपको सिलेक्ट करना है। मान लीजिए ये आप तीन यहाँ पे देख लीजिए, तीनों के नाम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये वाला थोड़ा सा ठीक दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मान लीजिए ये वाला है अट्रैक्शन, तो ये मैंने सिलेक्ट किया है। अब आपको यहाँ पे क्लिक बैंक की आईडी डालना है। तो यहाँ पे जाके आप चाहे तो डायरेक्ट लिंक भी जनरेट कर सकते हैं, या जो आपकी आईडी है आप यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो आईडी आपको दिखाई दे जाएगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ये मेरी आईडी है। तो सिंपल सा मैं यहाँ से कॉपी कर लिया करता हूँ और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे आईडी डाल देना है। ये चीज मैंडेटरी है। इसके बाद ये सारी चीजें फोर्थ स्टेप जो है ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। और यहाँ पे फ्री रिपोर्ट और यहाँ पे आप कुछ नाम डालना चाहें तो वो नाम आपको यहाँ पे डालना है। तो ये चीजें ऑप्शनल है, कोई खास जरूरत नहीं है। एंड देन आपको आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है और आपको पर्सनलाइज्ड पीडीएफ जो है वो यहाँ पे जनरेट हो गई। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी पीडीएफ पूरी कंप्लीटली जनरेट हो गई है और ये तकरीबन 14 पेजेस की पीडीएफ है। और यहाँ पे आप देख सकेंगे यहाँ पे सभी जगह पे आपकी लिंक यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये जो है इसको आप लिंक करके और नीचे आप यहाँ पे एक बार देखोगे तो आपको इसमें दिखाई दे जाएगा। मैं इसको ओपन करके भी आपके लिए दिखा दिया करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरी आईडी भी आ रही है, मतलब मुझे इस पीडीएफ को सीधा डायरेक्ट अपलोड करना है। जो भी है वहां पे मुझे डायरेक्ट अपलोड करना है। सिर्फ आप इसका नाम चेंज करना चाहें तो नाम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप यहां पे देख सकते हैं इसका नाम है जनरेटेड पीडीएफ। और आपको इसका नाम जो है वो नाम ऑब्वियसली बात है कि आपको इसका चेंज करना चाहिए। तो यहाँ पे जो इसका नाम है वो आप यहाँ पे देख लेना, प्रोडक्ट का नाम क्या है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम है हिज ऑब्सेशन सीक्रेट वगैरह। तो ये जो भी नाम है इसको कॉपी करके और यहाँ पे जो आपकी जनरेट हुई है उसको आप यहाँ पे डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपसे यहाँ से नाम पूछा जाएगा, तो नाम डाल के और आप इसको सेव कर लेना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी पीडीएफ थी वो आपकी इसी नाम से बन गई है। अब यहाँ पे दो चीजों की आपके लिए जरूरत पड़ सकती है, और दो चीजें क्या हैं? जब भी आप मान लीजिए यहाँ पे ऑब्वियसली बात है हमको ईबुक सबमिट करना है, तो सबमिट करने के लिए दो तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। एक आपके लिए टाइटल चाहिए पड़ता है, दूसरा चाहिए पड़ता है एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन, और थर्ड जो चीज की जरूरत पड़ती है एक आपके लिए इसकी इमेज की जरूरत पड़ती है। एक जो तरीका है कि आप चाहें तो इसका ही आप स्क्रीनशॉट निकाल लेना। अगर आप ये सारी चीजें कर सकते हैं, मान लीजिए इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दीजिए और इसका आप एक स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए ये जो इमेज है इसका तकरीबन इतना चाहूं तो मैं इस टाइप से इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल सकता हूं, और ये जो है ये मेरा एक कहा जाए तो कवर इमेज बन गई। आप चाहें तो इसको भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो आप मान लीजिए यहां पे किसी को भी डाउनलोड कर रहे हैं, तो ये जो इमेज है इसको आप ओपन लिंक इन न्यू करना है। तो यहां पे लिखा ओपन इमेज इन न्यू टैब, यहां पे आप देख सकते हैं कि ये इमेज इतनी छोटी है, तो कहा जाए तो ये थोड़ी सी ठीक नहीं है। लेकिन मैं डेवलपर हूं इसलिए ये चीजें बता रहा हूं कि जो ऑनलाइन चीजें जनरेट होती हैं उसका आपको यूज कैसे करना है। तो यहां पे आपको जो एक थंब दिखाई दे रहा है ये सिंपल सा यहां से हटा देना। थंब का मतलब होता है थंबनेल, और जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं कि इसकी एक बड़ी सी इमेज आ गई। तो ये एक तरीका है जो कि आप याद रख लेना कि यहां पे आपको जो भी इमेज है, मान लीजिए ये जो इमेज रहेगी इसको भी आप यहां पे करना ओपन इमेज इन न्यू टैब। यहां पे जब इमेज इतनी छोटी रहेगी आप चाहे तो इसका जो ये डैश प्लस थंब जो है ये आप यहां से रिमूव करके एंटर करोगे। आप यहां पे देख
सकते हो इसी इमेज को ये कम्प्लीटली बड़ा यहाँ पे दिखा दिया। तो दो तरीके हैं जिनसे आप निकाल सकते हो और इसी इमेज को आपको सिंपल सा डाउनलोड कर लेना है। तो मान लीजिए इतनी बड़ी इमेज है, अब इसको सेव इमेज भी आप कर सकते हो। तो ये देखिए इस टाइप से ये वाली इमेज आपकी कंप्लीट डाउनलोड हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे कोई बैकग्राउंड भी नहीं है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, ऑब्वियसली बात है कि आपकी पीडीएफ रेडी है और आपका एक बुक का कवर जो है वो भी आपका रेडी हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी आपके लिए चाहिए है। तो डिस्क्रिप्शन के लिए आप यहाँ पे ईमेल्स भेजाना और आप यहाँ पे देख सकते हैं इतने टाइप के ईमेल दिखाई दे रहे हैं। इन ईमेल में जो भी ऑब्वियसली बात है कि इसके बारे में ही यहाँ पे लिखा होगा, तो आपको क्या करना है कि सिंपल सा यहाँ पे जो भी इसका ईमेल वगैरह लिखा हुआ है इसमें से लिंक वगैरह ऑब्वियसली बात हटा देना, क्योंकि लिंक वगैरह सारी पीडीएफ के अंदर ही है। तो लिंक वगैरह ये जो भी आपके लिए दिखाई दे रहे हैं ये सारी चीजें हटा के और आप इसको यूज कर सकते हैं। तो सिंपल सा इसी टाइप से आपको ये सारी चीजें यूज करना है। अब यूज कैसे करना है, तो यहाँ पे जाना है हमको freeebook.net पे, और या फिर इसी टाइप की सेम प्रोसेस जो मैंने आपके लिए बताया है यहाँ पे आप देख सकते हैं सबमिट ईबुक। जब आप सर्च करोगे यहाँ पे इतनी सारी और भी साइट्स आ रही हैं, आप सेम प्रोसेस इस पे भी कर सकते हो। मान लीजिए ये दिखाई दे रहा है pothi.com, तो pothi.com पे जाके आपको यहाँ पे इसके भी टॉप पेजेस सर्च करना है, इसके भी आपको ऐसे कीवर्ड्स निकालने हैं जो कि हाई रैंकिंग हो, उससे रिलेटेड आप एफिलिएट प्रोडक्ट चूज कर सकते हो। प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए, आप प्रोसेस किसी भी प्रोडक्ट पे अप्लाई कर सकते हो। अभी आपको ये चीज तो समझ में आ गया कि आपको यहाँ पे ईबुक सबमिट करना है। सबमिट कैसे करना है, तो उसके लिए ऑब्वियसली बात है आपको यहाँ पे लॉगिन और साइन अप करना पड़ेगा। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आप यहाँ पे लॉगिन कर लेना, नहीं है तो ये जो साइन अप का बटन है इस पे क्लिक करना और यहाँ पे आप अपना ईमेल डालना। तो मेरा जो ईमेल है वो मैंने ईमेल यहाँ पे सिलेक्ट करके और कंप्लीट योर साइन अप पे क्लिक किया है, और आप यहाँ पे जैसे साइन अप करते हैं आपका अकाउंट यहाँ पे बन जाता है। साथ ही आपको एक ईमेल भी यहाँ पे आता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप का ईमेल आएगा, इसमें आपको अपना ईमेल कंफर्मेशन के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पे जो है इस पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक बार नाम डालना है और साथ में दो बार आपको सेम पासवर्ड डालना है। तो अभी मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया है, साथ ही मैंने अपना यहाँ पे दो बार सेम पासवर्ड डाल दिया है। तो यहाँ पे हमारा अकाउंट जो है वो अकाउंट बन चुका है। आप चाहें तो पासवर्ड भी सेव कर लीजिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो चीज आती है कि आपको बुक कैसे पब्लिश करनी है। सिंपल सा जो आपको यहाँ पे ऊपर ये पब्लिश का बटन दिखाई दे रहा है, आपको इस पे क्लिक करना है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है इस वेबसाइट पे ऑडियंस बहुत ज्यादा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने लिखा हुआ है कि 5 मिलियन रीडर्स इस वेबसाइट पे हैं, और अगर हम चेक करते हैं कि एक्चुअली में इस वेबसाइट पे कितने हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 915K सब्सक्राइबर यहाँ पे हर महीने आते हैं। तो आप ही समझ लीजिए वेबसाइट पे ट्रैफिक अच्छा है। और एक और जो चीज यहाँ पे लिखी हुई है, टेल अस एंड द वर्ल्ड अबाउट योर ईबुक फॉर फ्री, मतलब यहाँ पे सबमिट करना 100% फ्री है, और बाकी कंडीशन वगैरह आप यहाँ पे सर्च कर लेना। अब हम जैसे कि यहाँ पे बात कर रहे थे कि आपको ईबुक जो चाहिए है उसका एक आपके लिए टाइटल चाहिए है, तो टाइटल आप अपना डाल देना, ऑथर नेम में आप चाहे तो अपना डाल दीजिए, या फिर आप यहाँ पे भी चेक कर लेना कि ये कौन है इसके ऑथर। तो जो भी आपके लिए इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है वो आप देख लेना, या कहा जाए तो इस प्रोडक्ट का ही नाम वगैरह कुछ ऐसा डाल देना, ये कुछ इतना मैंडेटरी नहीं है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज आती है कि आपको अपना एक डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो जैसा कि मैंने आपके लिए बताया था कि यहाँ पे जो ईमेल्स में आपके लिए कुछ डिस्क्रिप्शन रहेगा, तो ये सिंपल सा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आप यहाँ से कॉपी कर लेना, और ये जो है ये यहाँ से लिंक वगैरह आप हटा देना, ये करना है आपको। एंड देन नेक्स्ट यहाँ पे एड योर ईबुक कवर। तो जैसे कि ईबुक कवर भी मैंने आपके लिए बताया था कि कैसे आपको जनरेट करना है या कैसे आपको निकालना है, इस टाइप से ईबुक कवर निकाल के भी आपको ये सारी चीजें ऐड कर देना। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम 800 करेक्टर लिख सकते हैं, तो आपकी इच्छा है कि आप जितना ज्यादा लिखेंगे उतना अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे आता है आपका मेन पार्ट। तो मेन पार्ट ये चीज आप जरूर ध्यान देना, आपको ये बुक सेल नहीं करनी है। तो यहाँ पे आपको कोई भी प्राइस वगैरह नहीं डालना है, आप ये सोच के रखिए कि आपको सिंपल सा उस बुक को फ्री में देना है, या जो भी आपकी बुक है आपको उसको फ्री में देना है ताकि लोग उसको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद जो भी उसमें लिंक्स वगैरह हैं उस लिंक्स पे लोग वह क्लिक करें। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं हर पेज में यहाँ पे लास्ट में है, और सबसे नीचे भी आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ पे सभी जगह पे लिंक दे के रखिए। तो फ्री में डाउनलोड ही आपके लिए प्रोवाइड करना है, तो आपको यहाँ पे फ्री प्रीव्यू पे क्लिक करना है कि सिंपल सा जो भी है वो फ्री में इसको देख सके, या फिर आप चाहे तो टेक्स्ट बुक कर दीजिए और कैटेगरी जो भी है आपकी वो कैटेगरी सिलेक्ट कर दीजिए, और आपको यहाँ पे प्राइस कुछ भी नहीं डालना है, आपकी बुक जो है वो 100% फ्री है। अब यहाँ पे आपको
कीवर्ड्स क्या डालने हैं। कीवर्ड्स जैसे कि आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है रोमांटिक नॉवेल्स पीडीएफ, तो इसी टाइप के आपको कुछ यहाँ पे कीवर्ड्स डालने हैं। जो भी कीवर्ड्स आपको अच्छे अच्छे लगते हैं वो आप 3-4 डाल दीजिए और इसके बाद आई एग्री पे क्लिक करके और आपको अपलोड कर देना है। और ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आपको ई बुक भी एड करना है, तो ये चीज भी आप भूलिएगा मत कि सिंपल सा आप यहाँ पे क्लिक करना और जहां पे भी आपकी ई बुक है, मान लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारी ई बुक है, ये सिंपल सी इस टाइप से डाल के और आपको इसको अपडेट कर देना है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी ई बुक यहाँ पे आ गई। तो आई होप यहाँ पे जो सिंपल सा प्रोसेस है वो प्रोसेस मैंने आपके लिए बता दिया। इसी टाइप से सेम प्रोसेस यूज करके ये मैंने आपके लिए एक प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे रिसर्चिंग की है। अब जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कि रिसर्चिंग जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जिस प्रोडक्ट को, मान लीजिए इसमें से कोई भी प्रोडक्ट आप लिया करते हैं, जितना ज्यादा रिसर्च करोगे उसी से ही आप उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। आप सिंपल सा फेसबुक पे जाओगे, एक लिंक पोस्ट करोगे और आप सोचते हो कि वो कोई खरीद लेगा, तो कोई नहीं खरीदने वाला। या फिर प्रोडक्ट जो खरीदते हैं वो टारगेटेड ऑडियंस खरीदते हैं, और जो टारगेटेड वर्ड है वो एक समझ लीजिए मिलियन डॉलर वर्ड है, कि आप जब तक टारगेटेड ऑडियंस नहीं ढूंढोगे। अब यहाँ पे ये मैंने आपके लिए एक तरीका बताया। इसी टाइप के आप मेरे चैनल पे जाओगे, इसी टाइप के हजारों तरीके और हैं, जैसे कि आप ये कुछ पुराने वीडियो देख सकते हैं कि आप ऑडियंस कहां से कैसे लेके आ सकते हो। प्रमोशन के तरीके मैंने यहाँ पे बता के रखे हैं, जैसे आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएंगे, यहाँ पे मैंने एक नई प्लेलिस्ट भी यहां पे बनाई हुई थी जिसमें मैंने आपके लिए बताया था कि अनलिमिटेड फ्री ट्रैफिक आपको कैसे लेना है। इस पे एक पूरी एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई थी, ये वाली प्लेलिस्ट भी आप चेक कर लेना, तो आपके लिए और ज्यादा आइडिया मिल जाएगा। तो सिंपल से तरीके हैं, फॉलो करोगे तो आप अर्निंग जरूर करोगे। तो आई होप यहां पे सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अभी आप यहां पे देख सकते हैं एक ये वीडियो है, अभी अभी 10 मिनट पहले आया हो, कहा जाए अभी मैं वीडियो बना रहा था। तो ये एक प्लानिंग भी होती है कि मैंने यहाँ पे पहले से वीडियो डाल के रखा हुआ था, वो उस टाइम पे अपने आप अपलोड हो गया जबकि मैं इस टाइम रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो मेन चीज होती है प्लानिंग, साथ में टारगेटेड ऑडियंस, साथ में रिसर्चिंग। अगर मैं रिसर्चिंग नहीं करूंगा, मैं ये सारी चीजें नहीं करूंगा, तो आप लोगों में से कोई भी मेरा वीडियो नहीं देखोगे। और सेम चीज आप पे भी लागू होती है कि अगर आप भी रिसर्चिंग नहीं करोगे, आप भी टारगेटेड ऑडियंस के पास अपना प्रोडक्ट नहीं पहुंचाओगे, तो आपका भी प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदने वाला। तो आई होप फंडा समझ में आ गया होगा। अगर फंडा समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी भी आपका कोई भी डाउट है इस वीडियो से, क्लिकबैंक से या किसी भी एफिलिएट टाइप की चीजों से आपका कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए। और जाते जाते बस सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल ABS Tech अनित प्रसोनी पे पहली बार आए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इसी टाइप के मनी मेकिंग टिप्स ट्रिक्स में जो लेके आता हूं वो सबसे पहले आप देख सकें, इंप्लीमेंट कर सकें और आज से ही एक अच्छी अर्निंग स्टार्ट कर सकें। थैंक यू दोस्तों।